बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे तदवीन के माखज़ ब्यास पर। शारा अपने तमाम कलाम को दीवान में शामिल नहीं करते, बल्कि इसमें से कुछ हिस्से को अपने मौजूदा मेयार के मुताबिक नहीं पाते और इसे मुस्तरद कर देते हैं। कदीम शारा के कलाम के बारे में भी ये बात किसी हद तक कही जा सकती है कि ऐसा कलाम बाज़ औक़ात इस दौर के दीगर असहाब के पास किसी न किसी सूरत में या किसी न किसी तरह बाकी रह जाता है। इसकी एक सूरत तो ब्यास है, जिसमें मुशायरों में सुने गए या कहे या कहीं से पढ़े गए अशार में से अपने पसंद के अशार नकल कर लिए जाते हैं। बरसगीर के कदीम तहजीबी अहद में बादशाह दूसरों के मुंतखब कलाम को अपने यहाँ नोट कर लिया करते थे, यानी डायरी में लिख लेते थे जिन शारा को के अशार उनको पसंद आते थे, या किसी मुशायरे में गए और कोई अशार उनके दिल को लग गए तो वो अपनी डायरी में नोट कर लेते थे। ऐसे मतून को ब्यास के नाम से याद किया जाता है। ब्यास दरअसल किसी शख्स की ज़ाती चीज़ है, वो इसमें किसी शायर के कितने कलाम को शामिल करता है इस पर कोई पाबंदी नहीं। ताहम यह हकीकत है कि अक्सर शरा के दीवान के बाद इसके कलाम का कुछ हिस्सा इसके दौर की ब्याज़ों में भी महफूज मिलता है। इस तरह शरा के गुमशुदा कलाम की तलाश के लिए ब्याज़ें बुनियादी अहमियत हासिल रखती हैं। और मज़ीद ये कि मसख शुदा और शिकिस्ता मखतूतात की किरात में भी इनकी हैसियत बहुत अहम है। ब्याज़ों से ना सिर्फ बाज़ अहम शरा का पता चलता है, बल्कि बाज़ गुमशुदा शरा के वजूद का इलम होता है, बल्कि बाज़ शरा के अदवार के बारे में भी मालूमात फराहम हो जाती हैं। ब्याज़ें मुख्तलिफ अंदाज में तरतीब दी गई हैं। बाज़ शरा ने मजामीन के एतबार से अशार जमा किए होते हैं, बाज़ ने ज़मानी तरतीब को मलहूज रखा होता है, और बाज़ में चंद शरा का मुंतखब कलाम पाया जाता है। उर्दू ज़बान व अदब की तारीख में ब्याज़ों की अहमियत के बारे में डॉक्टर एम सुल्ताना की मरतबा उर्दू में असूल तहकीक के बाब तस्हीन व तहकीक मतन के मसाइल में डॉक्टर नज़ीर अहमद लिखते हैं, ब्याज़ों की अहमियत का एक पहलू ये है कि गैर मरूफ शरा के कलाम का वाहिद माखज़ यही मजमूए होते हैं। आम तौर पर महज मशहूर शरा का कलाम मदून व मरतब होता है और वही नस्लन बाद नस्ल नकल होता रहता है। अगर गैर मरूफ शरा का कलाम एक आध बार नकल भी हुआ तो वो गोशाए गुमनामी में ऐसा जा पड़ता है कि इसका नाम व निशान बाकी नहीं रह जाता। ब्याज़ों ही की बदौलत ऐसे शायर ज़िंदा रहते हैं, इस बना पर इनकी अहमियत दीवान से किसी तरह कम नहीं होती। जो हजरात मतन की तहकीक में ब्याज़ों से इस्तफादा नहीं करते, इनका मरतब करदा मतन नाकिस और अधूरा रह जाता है। और जब तक इस ज़ुबान की सारी ब्याज़ों से गैर मरूफ शरा और अदीबों का कलाम यकजा नहीं कर लिया जाता, इस वक्त तक ज़ुबान की अदबी तारीख नामुकम्मल और नाकिस रहती है। उर्दू की अदबी तारीख में ब्याज़ों की अहमियत का अंदाज़ा करने के लिए बहुत से ऐसे शरा का मुताला दिलचस्पी से खाली ना होगा जो ब्याज़ों के अलावा कहीं और दिखाई नहीं देते। अगर ब्याज़ों को ही नज़रअंदाज कर दिया जाए तो तारीख़ अदब के ये सितारे हमेशा के लिए गुम हो जाएं। इस सिलसिले में डॉक्टर मोइनुद्दीन अकील के मज़मून से इस्तफादा ज़रूरी करार पाता है। इनके मुताबिक डॉक्टर जमील जलवी से कबल हुस्न शौकी की सिर्फ तीन गज़लें सखावत मिर्ज़ा ने एक कलमी ब्याज में तलाश की थी। डॉक्टर जमील जलवी ने मुख्तलिफ ब्याज़ों से हुस्न शौकी, जो कि एक शायर हैं, हसन शौकी के मुतबा कलाम को यकजा करके दीवान की सूरत में शाया किया है। इसमें मसनवी फ़तह नामा
निज़ाम शाह और मेज़बानी सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के अलावा 30 गज़लें हैं, जिनमें से चंद के अलावा सब गैर मतबूआ और नायाब थीं। पाकिस्तान में उर्दू तहकीक, हवाला मतन पाकिस्तान में उर्दू तहकीक।